हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आगे एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, छोटी सी वीडियो है। यहाँ पे एक बंदे ने मुझे चैलेंज किया था और उसकी वजह से मैंने पोस्ट किया था। मैंने कहा शॉर्ट सी वीडियो पोस्ट कर देते हैं यार। यहाँ पे ये मैच तो नहीं था, वो दूसरा मैच था। मम्मी सूट वाला बंदा था, उसने मुझे वहाँ पर किक इमोट भी किया। और यार जब से ड्रेस लिया, अभी एक ही दिन हुआ है और मैच में आओ तो गालियाँ बहुत पड़ती हैं यार। जो भी कहता है दे दो दे दो, अब तो अरबी भी गालियाँ देना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मैं आया था, मैंने कहा आपको ये छोटी सी वीडियो शेयर कर देता हूँ कि कैसे उस बंदे के साथ फ़ाइट ली थी। काफ़ी अच्छा प्लेयर था, इसका प्लान पे भी नाम आया था। मैंने असल में रिकॉर्डर जो है वो लेट ऑन किया। थोड़ी सी लूट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे और वो बंदे भी बिल्कुल सामने ही थे। यहाँ पे इस बोर्ड को हमने मारा, सेठ अली 47, कि अभी मेरे टीममेट को नॉक कर देंगे। आप देखें, फाइट को एंजॉय करें। क्रेजी सलमान ने जो है नॉक किया है अपने टीममेट को। और यहाँ पे एक बार तो मैं रिवाइव करूँगा अपने टीममेट को, लेकिन बहुत ही टफ सिचुएशन थी। बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक बंदा एक साइड पे रोटेट कर रहा है, दूसरा दूसरी साइड पे रोटेट कर रहा है, और यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है। मेरे पास स्मोक भी नहीं था, कोशिश की थी कि टीम मेट को बचा लूँ। तो गाइस, एक बंदा लिफ्ट पे आ चुका है, दूसरा बिल्कुल पानी के पास आ चुका है उस पत्थर के पीछे। यहाँ से बचना मुश्किल था, इस बंदे को मारना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ से निकलना जो है वो ज़रूरी समझा। वैसे तो मैं टीममेट को छोड़ के नहीं जाता, लेकिन ये सेठ अली जो है, इसके साथ मैंने कहा यार फाइट लें तो ज़रा अच्छे तरीके से फाइट लेते हैं। हो सकता है कि इस फाइट में अपनी जो है विन हो जाए। और देखें, आप गेम को एंजॉय करें। यहाँ से मैं रोटेट करके इस साइड पे आया, थोड़ी हेल्थ वगैरह लगाई, फिर इनके साथ फ़ाइट लूँगा। और बहुत ही कम एमओ के साथ मुझे रश करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रेजी सलमा को हमने किया है नॉक, और अब वक्त आता है कि रश किया जाए। और मेरे पास एमओ जो है 14 एमओ रह गई है, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। नेट वगैरह भी करूँगा यहाँ पे, लेकिन नेट के साथ कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ चुका था, एक इस दरख्त के पीछे नेट किया, लेकिन यहाँ पे भी बंदा नहीं था। और फाइनली गाइस, इस टीम को हमने किया है फिनिश। असल में जिस लोकेशन पे था वहाँ से फाइट लेना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मैंने रोटेट करना ज़्यादा मुनासिब समझा। और यहाँ पे बोट आ गया, इसको फिनिश करने के बाद भाई के सामने करते हैं इमोट। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।